नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। और मैं हूं राम मोहन शर्मा। वो एक प्रखर वक्ता थे, जानदार नेता और शानदार वकील थे, रणनीतिकार थे और संकट के वक्त में बीजेपी के मोचक थे। वो अरुण जेटली थे। जैसा नाम वैसा काम और वैसी ही पहचान। बीजेपी की ये मुखर आवाज आज मौन हो गई और इसके साथ ही अस्त हो गया सियासत का अरुण युग। लेकिन अरुण जेटली को हमेशा याद रखा जाएगा उनकी जिंदा दिली के लिए। जेटली की कमी हमेशा खलेगी। देश जब भी नई ऊंचाई छुएगा अरुण जेटली याद आएंगे। देश की नीति निर्माता के तौर पर, राजनेता के तौर पर और पक्के इरादों वाले प्रशासक के तौर पर। अरुण जेटली कौन थे, अरुण जेटली क्या थे? एक शख्सियत के छह किरदार हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसे अरुण जेटली छह किरदारों को निभाते रहे और बखूबी निभाते रहे, ये छह तस्वीरें आपके सामने। छह तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक साल में छह दिग्गज नेता खो दिए। अटल बिहारी वाजपेयी 2018 में निधन हुआ, इसके बाद अनंत कुमार। तो ये हम बता रहे थे आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज एक के बाद एक खो दिए। ये भी हम आपको बताएंगे कैसे एक के बाद एक न सिर्फ पार्टी को बल्कि देश को भी बहुत बड़ा झटका लगा जब एक के बाद एक नेता इस दुनिया को छोड़कर जाते रहे। भारतीय राजनीति का वो मुखर चेहरा जो अपने तर्कों से विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर देता था। सियासत का वो योद्धा जिसने अपने रणनीतिक कौशल से अपनी पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। टैक्स रिफॉर्म का वो सूत्रधार आज हमेशा हमेशा के लिए हमें अलविदा कह गया। ऑफ नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स एंड स्लो डाउन इन द ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड गोइंग फॉरवर्ड वी मस्ट कंटिन्यू टू बी वॉचफुल ऑफ द सीएडी। अपने अचूक तर्कों से विरोधी दलों को मौन कर देने वाली राजनीति की वो मुखर आवाज आज हमेशा के लिए मौन हो गई। चुनावी राजनीति से अलग अपने रणनीतिक कौशल से देश की सियासत में छाप छोड़ गए अरुण जेटली का यूं जाना सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि पूरी भारतीय राजनीति में एक शून्य छोड़ गया है जिसकी भरपाई शायद कभी ना हो पाए। पिछले लंबे समय से बीमार अरुण जेटली का दिल्ली के एम्स में 66 साल की आयु में निधन हो गया। उन्होंने दोपहर करीब 12:07 पर अंतिम सांस ली। अरुण जेटली जी का प्रश्न है, सारा देश इस सच्चाई को जानता है कि उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए जहां पर पार्टी संगठन को अपना योगदान दिया है, वहीं पर भारत सरकार में रहकर भी उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। शुभचिंतक गण हैं उन सबको इस दुख को सहने की क्षमता दें, संबल दें, इस बात की प्रार्थना करता हूं। साल 2018 में किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके अरुण जेटली पिछले कुछ समय से टिश्यू कैंसर से पीड़ित थे, जिसके इलाज के लिए वो 13 जनवरी को अमेरिका भी गए और फरवरी में जब वो भारत लौटे तब उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि घर वापस आकर खुश हूं। लेकिन कुछ ही समय बाद बीमारी ने फिर से उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और 9 अगस्त को दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया जहां वो जिंदगी की जंग हार गए। वो महामानव थे, वो सुपर ह्यूमन थे। केवल भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं है, ये देश की क्षति है, दुनिया की क्षति है। एक नहीं अनेकों स्मृतियां हैं, यादें हैं। कैंसर जैसी महाभयंकर बीमारी से जूझते हुए
वो इतने फक्कड़ थे कि हमारी राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठकों में रात को 2-2 बजे तक बैठे। मोदी सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभाने वाले अरुण जेटली को बीमारी ने पिछले कुछ समय से सक्रिय राजनीति से दूर जरूर कर दिया था। यहाँ तक कि मोदी सरकार के दूसरी बार सत्ता में आने पर उन्होंने खुद ट्वीट करके पीएम मोदी से मंत्रिमंडल में शामिल न करने का आग्रह किया था। लेकिन जब आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार ने फैसला लिया तो उन्होंने खुद ट्वीट करके सरकार को बधाई दी थी। तब कौन जानता था कि देश में टैक्स रिफॉर्म का सूत्रधार अगले कुछ ही दिनों में यूं अलविदा कह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि यह न सिर्फ बीजेपी बल्कि देश के लिए एक बड़ी क्षति है। एक धारदार प्रवक्ता, एक शानदार अधिवक्ता, एक जानदार नेता आज देश ने खो दिया। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त सुरेश राणा जी कैबिनेट मंत्री हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी कैबिनेट मंत्री हैं, यूपी के, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, सबसे पहले सुरेश राणा जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और पहली प्रतिक्रिया आपकी मैं यही जानना चाहता हूं, चूंकि जेटली जी अब हमारे बीच नहीं है, किस तरह आप याद करेंगे? अरुण जेटली जी आज हमारे बीच में नहीं है। मैं कह सकता हूं कि वो मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं की श्रद्धा के केंद्र रहे हैं और वो जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। एबीवीपी से अपना सामाजिक जीवन प्रारंभ करने वाले, चाहे इमरजेंसी का काल रहा हो, इमरजेंसी में भी वो अंबाला जेल में रहे, उसके बाद वो तिहाड़ जेल में भी रहे, सामाजिक मुद्दों को उठा करके, चाहे संघर्ष के आधार पर, चाहे राज्यसभा में, चाहे लोकसभा में, हमेशा उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों को प्रखरता के साथ उठाया। और मैं कह सकता हूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा विषय आता था कि लगता था कि कुछ कठिनाई है, तो पूरे देश के कार्यकर्ताओं को ये यकीन रहता था कि नहीं नहीं कोई कठिनाई नहीं है, अरुण जेटली जी हमारे पास हैं। जब कोई विषय आएगा तो जेटली जी बहुत मजबूती के साथ पार्टी के विषय को रखेंगे। और अनेकों बार ऐसा हुआ है कि वो पार्टी के संकट मोचन बने हैं, हमेशा उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर के पार्टी को डिफेंड करने का विभिन्न मौकों पर काम किया है। और मैं कह सकता हूँ उनकी विद्वत्ता का कोई शान ही नहीं था, वो एक बहुत शानदार अधिवक्ता थे। बहुत सारे विषय देश के अंदर ऐसे थे कि जब भी देश को आवश्यकता हुई है तो उन्होंने देश के पक्ष में अपनी आवाज को हर किरदार में बुलंद किया है, चाहे वो एक शानदार नेता का किरदार हो जी, चाहे एक शानदार एक अधिवक्ता का किरदार हो, कोई भी किरदार रहा हो, उसमें उन्होंने हमेशा देश की आवाज को बुलंद किया है। और चाहे वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल हो, आज भी GST की बात चलती है पूरे देश के अंदर, मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार ये आर्थिक आजादी का कदम उनके नेतृत्व में उठाया गया, देश को आर्थिक मजबूती देने का एक महत्वपूर्ण फैसला उनके द्वारा दिया गया, ये भी देश के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और गौरव का क्षण था। बिल्कुल। और रक्षा मंत्री के रूप में भी जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम उन्होंने किया। वो हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, आज सामाजिक क्षेत्र में इंटेलेक्चुअल पर्सन कोई भी हो, आम व्यक्ति देश का, वो कहीं ना कहीं आज इस पीड़ा में है कि एक शानदार व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया है। लेकिन निश्चित रूप से उनकी यादें हमारे बीच में, बिल्कुल यादें हमारे बीच हमेशा में, उनका वो लोकसभा में, राज्यसभा में तार्किक चेहरा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हमारे साथ, जब भी राज्यसभा में, राणा जी मैं आपके पास बिल्कुल लौट के आ रहा हूँ, एक प्रतिक्रिया मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से ले लूं। मौर्य साहब, आपने तो दोनों तरह से देखा है अरुण जेटली को, जब आप बीजेपी के विपक्ष में थे तब आपने आलोचनात्मक दृष्टि से भी उन नेताओं को देखा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपने अब जब सरकार के साथ रहे तो एक रणनीतिकार के रूप में और उनकी रणनीतियों को उत्तर प्रदेश में अमली जामा पहनाने का काम भी किया है, आप किस तरह देखते हैं उनकी शख्सियत को? बेशक अरुण जेटली जी
भारतीय राजनीति के एक चमकते हुए सितारे थे। आज उनके निधन से भारतीय राजनीति का एक सितारा अस्त हुआ है। यही नहीं, वो स्वच्छ छवि के थे, भ्रष्टाचार को निर्मूल खत्म करना चाहते थे, इसीलिए वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने देश में आज़ादी के बाद पहली बार नोटबंदी का एक ऐतिहासिक फैसला लिया। देश में बड़ा भूचाल आया, लेकिन उसके बावजूद देश की जनता ने उसका स्वागत किया और साथ ही साथ विपरीत परिस्थितियों में भी वो अडिग थे, महान व्यक्तित्व के धनी थे, राजनेता के साथ साथ वो देश के महान विधिवेत्ता भी थे और साथ ही साथ उन्होंने जिस भी मौके पर उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई उन्होंने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। विपक्ष में एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में सत्ता पक्ष को घेरते रहे, वहीं पर जब सत्ता में आने का मौका मिला तो राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए बहुत अच्छी अच्छी नीतियां तय करके वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने देश को आर्थिक प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाया। स्वाभाविक रूप से ऐसे महान नेता के निधन से पूरा देश दुखी है। हम सभी लोग उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि परिवारजनों को इस कमी की भरपाई के लिए, भारतीय जनता पार्टी को इस कमी की भरपाई के लिए शक्ति दे, जिससे कि हम इस कमी को और इस गम को किसी न किसी तरीके से बर्दाश्त कर सकें। पुनः उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और कोट कोट नमन करता हूं। सुरेश राणा जी, सर, किसी का जाना बहुत बड़ी क्षति होता है, लेकिन तब जबकि हाल के कुछ वक्त में एक के बाद एक नेताओं का जाना हुआ, ये और ज्यादा परेशान करता है। और तब जबकि जो लोग हमें छोड़कर हाल में गए वो शानदार वक्ता थे, वो शानदार प्रवक्ता थे, वो बड़े मजबूत अधिवक्ता थे। अरुण जेटली जी हो, जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बहुत उजला सितारा था बाबूलाल गौर, उनका भी जाना हाल ही में हुआ। ये कितना परेशान कर देता है एक पार्टी नेता के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर। नहीं, मैं कहूंगा कि पिछले वर्ष अगस्त माह में ही पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमें छोड़कर के चले गए थे। अभी कुछ ही दिन पूर्व सुषमा स्वराज जी, जिनकी आवाज़ देश नहीं पूरी दुनिया पहचानती थी और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना लोहा अपनी आवाज़ के दम पर, अपनी एक भाषण शैली के दम पर, अपने ज्ञान की तार्किक क्षमता के दम पर मनवाया था, वो भी हमारे बीच से चली गई। और मैं कह सकता हूँ एक ऐसी शख्सियत अरुण जेटली जी के रूप में, जो संकट मोचन के रूप में और एक अभी जब वो राज्यसभा के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश से गए तो लखनऊ आए थे, तो हम सब लोगों का उनसे एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हमेशा उनसे मिलना जुलना रहता था। पर मुझे लगता है कि दिखने में बहुत सीरियस लगते थे जी, पर जब वो कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे और जिस प्रकार उन्होंने एक तरह से बातचीत की, मन की बातचीत सबके साथ की, मैं उस क्षण को भूल नहीं पाता हूँ। और जब भी मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे याद है कि जब भी उनसे मिलने जाते थे तो वो हमेशा बहुत सीमित शब्दों में और बहुत ही तर्क की बात कहते थे, विषय को बहुत छोटा करके बोलना उनकी कला थी। और आपने भी देखा होगा कि उनकी अंग्रेजी विषय पर भी क्या शानदार कमांड थी, और जितनी शानदार अंग्रेजी विषय पर कमांड थी उससे ज़्यादा शानदार उनकी हिंदी पर कमांड थी। मतलब एक ऐसा भाषा का समन्वय था, और मैं तो कई बार देखता हूँ कि जब वो बोलते थे और अंग्रेजी विषय में भी यदि वो अपनी बात को रखते थे तो उनके शब्दों का चयन ऐसा होता था कि आसानी से व्यक्ति की समझ में आता था। तो ऐसे शानदार ओरिटर मैं कह सकता हूँ देश में बहुत कम होंगे, और उन्होंने कभी भी पार्टी की सीमाओं को लांग करके देश के लिए जब भी कोई विषय आया है तो पार्टी से ऊपर उठ करके उन्होंने हमेशा देश के लिए विचार किया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं में तो उनका सम्मान था ही और है ही, लेकिन अन्य दलों के नेताओं में भी उनके प्रति एक बहुत एक सम्मान का भाव हमेशा रहता था। कारण ये था कि बहुत इंटेलेक्चुअल भी थे और तमाम विषयों पर जब देश का विषय आता था, चाहे वो विपक्ष की भूमिका में हो चाहे सत्ता पक्ष की भूमिका में हो, जब देश का विषय आता था तो बहुत शालीनता के साथ देश के विषय के लिए वो अपने आप को प्रस्तुत करते थे। आज हम सब बहुत दुखी हैं और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना सभी लोग कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है
के परिवार को और हम सबको इस दुख से उबारने की परमात्मा शक्ति देगा, चूंकि बड़ा आघात है, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। करोड़ों लोग लगातार ये प्रार्थना ईश्वर से कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि किसी तरह से उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए, वो पुनः, और देखिए कैसा किस प्रकार का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया। जब उनका स्वास्थ्य खराब था तो उन्होंने ट्वीट करके मोदी जी से कहा, और वैसे सीधे वार्ता करके मोदी जी से कहा कि माने प्रधानमंत्री जी, इस बार चुनाव में मैं चुनाव की राजनीति से दूर रहना चाहता हूं। मतलब अक्सर राजनीति में लोग, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, पर ये दोनों बड़े नेताओं में सुषमा स्वराज जी को भी आप इसी फेहरिस्त में रख सकते हैं। उन्होंने तो खुद विदेश मंत्री का नाम आगे बढ़ाया कि जो फॉरेन सेक्रेटरी थे अब वो विदेश मंत्री होने चाहिए, ये मेरी सिफारिश है, फिर मोदी जी ने उस बात को मान लिया। लक्ष्मी नारायण जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री। लक्ष्मी नारायण जी, आपका स्वागत है, और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आपके साथ के कुछ अनुभव हों अरुण जेटली से जुड़े हुए, तो ज़रा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि अब सिर्फ यादें हैं, उनके अनुभव हैं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी कुछ सीख ले सकती है। दिया है सदियों तक उनके आर्थिक सुधार याद किए जाएंगे। आदरणीय जेटली जी के आर्थिक सुधारों की और उनकी कार्य प्रणाली से भारतवर्ष जहां आर्थिक विपन्न था, वहां आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़के पूरे विश्व में छठवे नंबर पे आ गया। जेटली जी बड़े हाजिर जवाब भी थे जी। एक बार मैंने आदरणीय जेटली जी से कहा, इस तरह का आप बजट में समावेश करें जिससे एक हमारे देश का किसान ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है। इस तरह से आप किसान के फेवर का एक बजट बना के उसमें ऐसा समावेश करें। जब आदरणीय जेटली जी राज्यसभा का पर्चा दाखिल करने गए लखनऊ, मुझे देखते ही मैंने जैसे नमस्ते किया तो आदरणीय जेटली जी ने तुरंत कहा, अब मैं आपके परिवार में शामिल हो गया हूं, आप किसानों के प्रतिनिधि माने जाते हैं, अब तो मैं किसान नेता हूं ना। ऐसे हाजिर जवाब, मुस्कुराते हुए, इतने मृदुभाषी हाजिर जवाब। दूसरे नंबर, जेटली जी एक केवल पार्टी के रूप में नहीं बल्कि सभी दलों के नेता उनका सम्मान किया करते थे। जेटली जी एक ऐसे अर्थशास्त्री कि जिन्होंने ये कहा जाता था कि जिस देश में जीएसटी लागू हुई है उस देश में वो सरकार कभी रिपीट नहीं हुई जी। आदरणीय जेटली जी ने आर्थिक सुधार किए, जीएसटी लागू किया, और मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारी बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये साबित करता है कि दुनिया के जितने देशों में जीएसटी लागू हुई वो कहीं ना कहीं उसमें दोष था, कहीं ना कहीं उसमें कमियां थी जी। लेकिन हमारे देश में आदरणीय जेटली जी ने जिस तरह से जीएसटी का कार्यान्वयन किया उससे ये साबित किया जी। लक्ष्मी जी, मैं आता हूँ सर आपके पास, लक्ष्मी नारायण जी, और चूंकि देखिए एक लंबा वक्त आप लोगों ने भी उनके साथ गुजारा है, चंद पलों में तो वो चीजें याद करके हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए मैं चाहूंगा मैं दोबारा आपके पास आऊं, लेकिन मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट धनंजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं सर, हमारे साथ जुड़ेंगे, और इसके साथ साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बस एक छोटा सा ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। बिल्कुल, तुरंत हाजिर होते हैं, बात मोहसिन रजा साहब से भी करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। सियासत का अरुण अस्त हो गया और अरुण जेटली का हम जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आसिफ, बतौर पत्रकार हमें यह सिखाया जाता है कि चीजों को सरल करके जनता तक पहुंचाना है, और अरुण जेटली उन नेताओं में से एक थे, या ये कहिए कि सबसे प्रमुख थे, जो कठिन से कठिन बिल हो, कठिन से कठिन लीगल एस्पेक्ट हो, उसको जब बताते थे या अपने भाषण में लेकर आते थे तो लगता था कि कितना सरल विषय है। बिल्कुल, वो भूमिका वो बखूबी निभाते थे। और कई बार जिसे हम टर्म कहते हैं लेमन, यानी कि जो टेक्निकल नहीं होता, उसके लिए भी कितनी आसानी से चीजें पहुंच सकें, अरुण जेटली ने वो भी करके दिखाया। और उनके साथी ये बात कहते हैं, घंटों के काम को चुटकियों में कैसे किया जाता है या मुश्किल काम को आसान कैसे किया जाता है, ये उनके साथी उनसे बखूबी सीखते थे। लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंत्री हैं यूपी सरकार में। लक्ष्मी नारायण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये, किसी के जाने से कभी कुछ रुकता नहीं, किसी के आने से बहुत बड़ा बदलाव होता नहीं, लेकिन आपको लगता है कि राजनेता तो अभी और भी आएंगे, लेकिन ये जो एक युग था, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, ये जो एक युग था, ऐसे नेता शायद अब राजनीति में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो आपने चारों नाम लिए, अटल जी का, सुषमा जी का, पर्रिकर जी का और आदरणीय जेटली जी का, ये एक अद्भुत हमारे नेता थे। और जेटली जी के जाने से अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन समय समय पे कहीं न कहीं ऐसे महापुरुष और ऐसे राजनेता आते हैं जिससे जनता की समस्याओं का समाधान हो। आदरणीय मोदी जी ने अपने कर्तव्य परायणता से, अपने परिश्रम से ये साबित कर दिया है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, एक जेटली जी के जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है देश की, और इसकी रिक्तता को एक अपूर्णीय क्षति हुई है देश की और इसकी रिक्तता को शीघ्र भर पाना बहुत कठिन है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर अपने चरणों में उनको शरण दे और आदरणीय जेटली जी के सिद्धांतों पर चल के भारतवर्ष एक आर्थिक संपन्न देश बने और दुनिया में विश्व गुरु की उपाधि फिर उसे मिले। यही जेटली जी के को सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों की होगी। ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, हमारे साथ मोहसिन रजा साहब भी जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन पहले मोहसिन रजा जी, कुछ अनुभव आप हमारे साथ जुड़कर साझा करना चाहें, क्योंकि आपने भी जेटली साहब के साथ उनके सानिध्य में उनकी रणनीति पर अमल करने का काम किया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, सबसे पहले तो मैं दुखी मन से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और एक ऐसी क्षति कि जिसकी कोई पूर्ति नहीं, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ लक्ष्मी नारायण जी कह रहे थे कि इसकी पूर्ति होना अभी जल्दी तो बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि सर्व समाज की और पूरे देश में अंतिम व्यक्ति की क्षति हो गई, क्योंकि जिस तरह से वो जो नीतियां थी उनकी, जिस तरह से उन्होंने काम किया पिछले 5 वर्षों में, उन कामों को अगर देखा जाए जी, और जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया पूरे राष्ट्र को, विद्यार्थी परिषद से आपने शुरुआत की अपने जीवन की, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के आप 2 बार संगठन के प्रभारी रहे, और प्रभारी रहते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक कनेक्टिविटी उनकी जो थी, जो कार्यकर्ताओं से उनका एक मिलना जुलना था, और जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते थे, जिस तरह से उनको वो अपने सहजता से बहुत कुछ ज्ञान दिया करते थे, वो अपने आप में हम लोगों के लिए एक बहुत ही यादगार, और साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए, खास करके उत्तर प्रदेश से राज्यसभा गए, अभी उन्होंने 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश का जो बहुत ही VIP जिला है, जिसको रायबरेली कहा जाता है, 30 जुलाई को उन्होंने वहां पर 200 हाल मास लाइट्स की देने की घोषणा की अपने निधि से। उत्तर प्रदेश के तमाम और नेताओं के लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोल रखे थे, हम लोग जब भी जाते थे उनसे मिलते थे, दिल्ली में मिलते थे,
तो वो नई नई बातों के लिए प्रेरित करते थे कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। और जैसा कि अभी आपने हमारे वरिष्ठ मंत्री से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उनके जो निर्णय थे, जो उनके फैसले थे, उन पर मोहर लगी और 2019 का जो परिणाम है उसको आप देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश में 2017 का परिणाम देखें, इसमें जनता ने उनके किए गए कार्यों की सराहना की। क्योंकि अगर नोटबंदी को लेकर आप देखें, चाहे वो देश के हित में लिए गए फैसले थे, जीएसटी एक बहुत साहसिक फैसला था उनका, तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने भी उनसे कहा कि आप अस्वस्थ जरूर हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे 19 के मंत्रिमंडल में भी रहें। लेकिन उन्होंने बड़ी ही सहजता से कहा कि मैं पार्टी के लिए समर्पित हूं, मैं आपकी पार्टी के लिए और अपनी पार्टी के लिए समर्पित हूं, मुझे जो काम दिया जाएगा मैं करूंगा, लेकिन मेरी सेहत ऐसी नहीं है कि मैं अब मंत्रालय को संभालूं, लेकिन हमारी जहां जरूरत होगी वहां मैं आपके साथ हूं। तो प्रधानमंत्री जी ने उनको खुद कहा था कि आप इस मंत्री पर मंत्रिमंडल में रहिए, लेकिन आप उनकी सहजता, सरलता और उनके अंदर एक जो हम सबके लिए कहना चाहिए, देश के लिए करने की जो इच्छा थी, आप उनका अगर आप देखें 73-74 में जब आपातकाल लगा, 19 महीने उसके विरोध में जेल में रहे वो, लेकिन कहीं से टूटे नहीं। तो इसलिए उनका जो एक विशाल विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे, हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। और हमें तो एक शेर याद आ रहा है कुमार बाराबंकी का, के बुझ गया दिल हयात बाकी है, छुप गया चांद रात बाकी है, अलविदा जेटली सर अलविदा। तो ये उनका व्यक्तित्व जो था वो चांद की तरह चमकता है और अभी भी हम सबको उसकी ठंडक मिलती रहेगी, हम उनको अनुसरण करते रहेंगे, हम उनके बारे में जो दिए गए, उनके किए गए कार्य हैं उनसे उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते रहेंगे। जी मोहसिन रजा साहब, आता हूं आपके पास। प्रेमचंद अग्रवाल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और इस वक्त में बहुत सी ऐसी यादें होंगी जो उनके मन में आ रही होंगी। प्रेमचंद अग्रवाल जी, उत्तराखंड से कनेक्शन ये था कि जेटली साहब छोटे राज्यों के पक्षधर थे और सन 2000 में जब राज्यों का जिक्र हो रहा था तो उस वक्त उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड बने, पर्वतीय राज्य अस्तित्व में आए, उसका विकास हो, बहुत मजबूत पक्षधर थे। आपके जरिए से, आपके हवाले से पूरे उत्तराखंड के लोगों की तरफ से आप उन्हें कैसे याद करते हैं? और एक सवाल मेरा आपसे और भी है कि आप अध्यक्ष हैं, आप स्पीकर हैं, और एक बतौर स्पीकर जब सामने एक अच्छा नेता बोलता है तो कितना अच्छा महसूस होता है, और अरुण जेटली साहब को जब आप देखते थे, सुनते थे, तो कितना फक्र आपको महसूस होता था? देखिए, अरुण जेटली जी आज हमारे बीच में नहीं है। अपने तमाम नेताओं को मैंने अभी सुना, मैं उन तमाम नेताओं के उनके बारे में किए गए तमाम बातों से अपने आप को संबद्ध करते हुए कह सकता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकला हुआ एक व्यक्ति जो 1974 में छात्र संघ दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बने और उसके बाद जेपी आंदोलन से जुड़े और उसके बाद फिर इमरजेंसी में यातनाएं सहन करे और धीरे धीरे उसका आगे बढ़ता है एक अपना कारवा और जिस प्रकार से लॉ करने के बाद एक सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े वकील के रूप में जिन्होंने ख्याति प्राप्त की हो और लगातार जिस प्रकार से अनेकों बोफोर्स कांड जैसे केस भी उन्होंने लड़े, अब आप इससे अंदाजे लगाइए कि कितना बड़ा उनका ज्ञान रहा होगा, कानून की कितनी बड़ी उनको जानकारी होगी कि उसके बाद लगातार वो व्यक्ति और अनेकों बार राज्यसभा से आते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में, चाहे वो सूचना प्रसारण मंत्री रहे हों, चाहे वो विधि मंत्री रहे हों, फिर बाद में हमारे रक्षा मंत्री रहे और इस हमारे इस कार्यकाल में, यानी कि माननीय मोदी जी के इस कार्यकाल में जी वित्त मंत्री के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जीएसटी नोटबंदी को लेकर अनेकों आर्थिक सुधार के साथ साथ बैंक एकीकरण की बात हो, चाहे जनधन खाते खुलवाने की बात हो जी, चाहे इस प्रकार से महंगाई जिसके ऊपर बहुत लंबी बहस की जा सकती थी लेकिन महंगाई नियंत्रित करने का काम रहा हो वो अरुण जेटली साहब ने किया। और मैं जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि एज स्पीकर आप क्या कहना चाहेंगे, मैं यही कह सकता हूँ कि जब सदन में किसी प्रकार की बहस होती थी तो वो एक कुशल एक वक्ता के रूप में और
अपने कौशलता के साथ और संकट मोचक बन के वो काम करते थे। अनेकों बार हमने उनके संकट मोचक के रूप में भूमिका देखी है और सुनी भी है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में या उत्तराखंड के बारे में जैसा आपने खुद ने ही कहा कि छोटे छोटे राज्यों के पक्ष में थे, वो कैसे उस राज्य का विकास भी हो सके, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तो उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे इस उत्तराखंड के को आगे बढ़ाने में है। हमारा ये उत्तराखंड, हमारे लोग उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। और मैं तो चूंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ा रहा हूँ, अनेकों बार हमने उनको साक्षात देखा है, उनके काम करने की शैली देखी है, उनका काम करने का तरीका हमने देखा है। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि जिस प्रकार के वो चिंतक थे और आप उनकी जो ये मैं कह सकता हूँ पार्टी की क्षति है, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये राष्ट्रीय क्षति है और राष्ट्रहित में निर्णयों के बारे में अनेकों बार उनको याद किया जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं कह सकता हूँ, जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने विदेश में रहने के बाद अभी उनके परिवार में उनको फोन किया तो उनके परिवार वालों ने यही बात कही कि आप अपना दौरा स्थगित मत करिए, यह है राष्ट्र की चिंता, यह है राष्ट्र के प्रति उनके उनका प्रेम और उनके परिवार का प्रेम। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जब तीन तलाक की बात चल रही थी तो उसमें उनकी अहम भूमिका थी और उसमें भी उन्होंने ट्वीट करके कहा, लगातार हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का चले जाना, अनंत कुमार जी का चले जाना, मनोहर पाड़ीकर जी का चले जाना, हमारे सुषमा स्वराज जी का चले जाना, बाबूराम गौड़ जी का चले जाना, अब हमारे अरुण जेटली साहब का चले जाना, हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि युग का एक अंत हुआ है। जैसे व्यक्ति जो हमेशा एक अच्छी भूमिका में, सरकार को बचाने की भूमिका में और एक कुशल संगठनकर्ता जो व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है, निश्चित रूप से हम बहुत दुखी हैं। अनेकों लोग आज उनके बारे में कह सकते हैं कि वो कोई भी पार्टी रही हो, कोई पार्टी में उनका शत्रु नहीं था, वो आजाद शत्रु के रूप में जाने जाते थे। आज सभी लोग उनके जाने से बहुत दुखी हैं। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ और भगवान श्री से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि ऐसे लोग बिरले ही होते हैं जो देश के ऐसे क्षितिज पे सितारे की तरह चमकते हैं। आज वो सितारा हमारे मोहसिन रजा साहब के पास में एक बार फिर से लौटना चाहता हूँ। रजा साहब, राहत इंदौरी का एक शेर है कि ये अलग बात कि चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। एक बड़ी बात और एक बड़प्पन ये भी था कि जैसे हम देखते हैं कि जब नोटबंदी आई, नोटबंदी का जिक्र पहली दफा सीधे प्रधानमंत्री की जबान से हमने सुना और इसके पीछे कौन था तो सिर्फ एक ही शख्सियत सबके जहन में आती थी कि वो अरुण जेटली थे, जो डीमोनेटाइजेशन जैसा बड़ा फैसला प्रधानमंत्री के साथ मिलकर ले रहे थे। रातों रात कहाँ नोट छप रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, ये सारे इंतजाम उनके आसपास या उनके सानिध्य में होकर ही अधिकारियों ने किए होंगे, लेकिन फिर भी जब जब जिक्र इस बात का हुआ तब सीधे तौर पर कहा कि ये प्रधानमंत्री जी का निर्णय है और उनके निर्णय को हम लोग तो सिर्फ आगे बढ़ा रहे थे। बिल्कुल भी आदरणीय प्रधानमंत्री का जो नए भारत का सपना है उसको साकार करने में उसके पर्दे के पीछे उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, इससे सभी लोग वाकिफ हैं, हम सब वाकिफ हैं। और उन्होंने जो देश हित में जो निर्णय लिए, उन निर्णयों ने, क्योंकि देश की जनता ने उस निर्णयों को सराहा है और उसके परिणाम में, इस वक्त कोई राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि जो निर्णय उनके थे देश हित में, अगर उस पर जनता ने मोहर नहीं लगाई होती और वो जनता की नब्ज नहीं जानते होते, आप देखिए पहली बार देश में 30 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले, इसके पीछे उन्हीं का दिमाग था। तो अपने आप में देश के लिए समर्पण था उनका, देश के अंतिम व्यक्ति के लिए समर्पण था, देश को आगे ले जाना, राष्ट्र हित में क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है उसके लिए उन्होंने। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, उन्होंने चाहे अपने वकालत के शोबे में आप ले लें, फिर चाहे वो खेल की दुनिया में जब आए, तो खेल की दुनिया में उन्होंने कितने राज्यों से प्रतिभाओं को निकाला और जिन्होंने देश का आज नाम किया है, उसमें से विराट कोहली भी एक हैं। तो आज विराट कोहली जो देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर रहे हैं, उस एसोसिएशन के वो अध्यक्ष रहे, उसके बाद बीसीसीआई में उन्होंने एक नई नई योजनाएं लागू की अलग अलग राज्यों में क्रिकेट। आज आप उत्तराखंड को भी अगर ले लें तो उत्तराखंड की भी जो टीम बनी है उसमें भी उन्हीं का ही कहीं ना कहीं बनाया हुआ मसौदा था। तो अपने आप में उन्होंने हर क्षेत्र में अच्छा योगदान देश के लिए दिया और इसीलिए पूरा देश आज
उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है और पूरा देश दुखी है। जी बिल्कुल मोहसिन रजा साहब, जो जो किरदार उन्होंने निभाए वो बाखूबी निभाए। मैं लौट रहा हूं आपके पास और ऐसे ही कुछ यादें आलोक संजर साहब के पास हैं। आलोक संजर साहब भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सांसद हैं भोपाल लोकसभा सीट से, बीजेपी के बड़े नेता हैं। आलोक संजर साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन इस वक्त अरुण जेटली के घर के बाहर मेरे सहयोगी शोएब रजा मौजूद हैं। शोएब मैं आपके पास आ रहा हूं और हम कह रहे हैं राजनीति का अरुण अस्त हो गया आज, अब सूरज भी अस्त हो गया है, लेकिन क्या उनके चाहने वालों की भीड़ कम हो रही है क्या? क्योंकि आपके पीछे तस्वीरें देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 3 बजे के करीब जो आवास है जहां मैं खड़ा हूं यहीं पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचा था। हालांकि उस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन पुलिस ने इस तरह की व्यवस्था बनाई, भीड़ अभी भी आपको नजर आएगी यहां पर, उस वक्त से ही इस तरह की व्यवस्था पुलिस के जरिए बनाई गई कि जो बड़े नेता है चाहे सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो वे आसानी के साथ जो अंतिम दर्शन है पार्थिव शरीर के वो कर सके। तो इसलिए आम लोगों के लिए और आम कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन नहीं था। कल पार्थिव शरीर को जब 10:30 बजे के बाद पार्टी दफ्तर ले जाया जाएगा, पार्टी कार्यालय ले जाया जाएगा, वहां पर आम कार्यकर्ता और आम जो लोग हैं वो दर्शन कर सकेंगे। लेकिन कोई भी बड़ा नेता आप जिनको रोजाना टेलीविजन पर देखते हैं, जिनको अखबारों में पढ़ते हैं, जिनके बारे में सुनते हैं, वो आज हर कोई यहां पर पहुंचा सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी। हमारे देश की एक सकारात्मक राजनीति का भी एक तरीके से कहें कि दर्शन होता है इस तरह के मामलों में, जब हम देखते हैं कि चाहे सुषमा स्वराज का जब निधन हुआ या फिर आज अरुण जेटली जी का जब निधन हुआ, तो तमाम जो लोग हैं वो इस गम में शरीक होने के लिए यहाँ पर पहुंचे। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है अभी भी, उनसे बातचीत करते हैं। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता है, कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे। आप अंतिम दर्शन करके आए हैं, किस तरह से याद करते हैं? क्योंकि बड़े नेता जो बीजेपी के खासतौर पर, चाहे अटल बिहारी जी पिछले साल इसी महीने में उनका निधन हुआ था, इस साल सुषमा स्वराज और अब अरुण जेटली। देखिए अरुण जेटली जी का जो किरदार था, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट के लाइफ से लेकर आज तक संघर्ष किया पार्टी के लिए, देश के लिए, और इंसाफ की लड़ाई आपने अपने शुरुआती दौर से लेकर अब तक लड़ी, और ये एक देश का बड़ा नुकसान है, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं, अपनी भावना का इजहार कर रहे हैं, अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। हम आलोक संजर साहब के पास चलते हैं। आलोक संजर जी, बतौर सांसद भी आपने अनुभव लिया अरुण जेटली के साथ काम करने का, और एक पार्टी के प्रबंधक के रूप में भी जब भोपाल में अरुण जेटली पहुंचने होंगे, चाहे हितेश वाजपेयी जी से को भी मैं आपके साथ ही जोड़ता हूं, पहले संजर साहब फिर हितेश वाजपेयी जी, कि जब चाहे पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या पार्टी से जुड़े हुए दूसरे इंतजाम हो, जब भोपाल अरुण जेटली पहुंचते थे तो किस रूप में, किस नेता की तरह, किस क्या एक कार्यकर्ता की तरह, आम कार्यकर्ता की तरह उन्हें आप लोगों ने देखा, क्या सीखने को मिला एक बड़े राजनेता से आलोक संजर को? निश्चित ही आज बहुत ही दुखद प्रसंग है ये कि एक राजनीतिक क्षितिज में एक और सूर्य अस्त हो गया। लेकिन 2003 मुझे याद आता है जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, तब अनंत कुमार जी, जेटली जी, सुषमा जी, ये तीनों ही जो आज हमारे बीच में नहीं है, तीनों का एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे रहा था। मैं ये कह सकता हूँ कि एक कुशल विश्लेषक भी थे। यदि एक बंटाधार जो शब्द बना था उसमें मेरे को याद आता है कि अरुण जेटली जी ने उसको हवा दी थी, कार्य योजना बनाई थी कि हमको कैसे चुनाव को लड़ना चाहिए। एक कुशल संगठक तो वो थे ही, लेकिन साथ में मैं कहूंगा कि हम कार्यकर्ताओं के बीच में जब उनका मिलना हुआ तो वो हमको समझाया करते थे कि हमारी वे ऑफ वर्किंग कैसी होनी चाहिए, चुनाव में हमारी वर्किंग कैसी हो और संगठन के काम में हमारी कैसे वर्किंग हो। तो वो सब चीजें आज हमको याद आती हैं। लोकसभा के समय मुझे याद आता है कि जब वो अपना बजट भाषण दे रहे थे, जब पहले तबीयत उनकी बहुत खराब थी, तो उन्होंने काफी देर खड़े होकर जब अपना बजट भाषण दिया और उसके बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी कि बैठ कर दूंगा भाषण करूंगा, तो भाषण उन्होंने बैठ के थोड़ी देर किया, लेकिन जैसे ही उनका आराम पूरा हुआ तो फिर वो दोबारा से खड़े होकर भाषण करने लगे। तो हमारे सीनियर्स जो लीडर्स थे उन्होंने कहा भी कि आप बैठकर बोलो, लेकिन नहीं उन्होंने माना और कहा कि नहीं मैं अब खड़े होकर दे सकता हूं। तो ऐसे बहुत सारी यादें हैं।
बल्कि एक बात और ये मैं कह सकता हूं आपके माध्यम से कि जब वो बात करते थे, अपना भाषण देते थे और बीच में विपक्ष की तरफ से इंटरप्ट किया जाता था, तो वो पूरी बात का जवाब बड़ी सहजता सरलता से दिया करते थे, उनको संतुष्ट कर दिया करते थे। ऐसा नहीं कि वो शोर में उनकी बात गुम जाए। जिसने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का जवाब बहुत बखूबी तरीके से दिया करते थे और उसका उद्देश्य भी ये होता था कि कोई ऐसा इश्यू जो उठाया गया है जिसको आम जन जो देख रहे हैं उनके मन मस्तिष्क में बहुत उतर जाए। तो मैं कह सकता हूं कि वाकई एक बहुत ही योग्य सुयोग्य नेता थे। इतने बड़े वकील होने के बाद भी उन्होंने राष्ट्र की सेवा को अपना सर्वोपरि धर्म माना और उस धर्म को निभाते रहे, अंतिम दम तक निभाते रहे। आज मैं कह सकता हूं कि वाकई हम आज उनके साथ में रहे, काम भी किया। मैं हितेश वाजपेयी जी के पास आ रहा हूं, बहुत दुखी हूं। संजय जी आता हूं आपके पास, प्रार्थना करता हूं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, ये उस युग के नेता है कि आप लोगों ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। हर फील्ड में अपने सीनियर से जूनियर सीखते हैं, उनकी उनका उनका अंदाज सीखते हैं, उनका मिजाज सीखते हैं, वो किस तरह से बात करते हैं वो सीखते हैं। मेरा आपसे जो सवाल है ये कि आप प्रवक्ता हैं, आपने भी उन्हें बहुत करीब से देखा, बहुत कुछ सीखा, ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो आप आज भी कहेंगे कि ये चीज मैंने अरुण जेटली साहब से सीखी और मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम इस चीज में मैं उनका अनुसरण कर सकूं? देखिए, मुझे लगता है आपने जो बात कही है वो बॉटम लाइन वही है, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में मैं राजनीतिक गुरु के रूप में, गुरु द्रोण के रूप में, क्योंकि उनके साथ काम नहीं कर पाया, मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानता हूं, क्योंकि संसद में उनके भाषण सुनते सुनते हम लोग अपना मेडिकल प्रोफेशन सब छोड़ छाड़ के राजनीति में आ गए कि नहीं हमें काम करना है। और उसके पश्चात मीडिया की तरफ झुकाव यदि हुआ तो मैं कह सकता हूं कि अरुण जेटली जी को सुनते सुनते ही हुआ। किस प्रकार वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से विधि के, वित्त के या विदेश नीति के क्लिष्ट विषयों को वो साधारण रूप में रख दिया करते थे, तो उनका हर वक्तव्य कुछ न कुछ सिखा कर जाता था। वो बताते थे कि स्क्रीन पे कैसे जाया जाता है, पत्रकारों के सवाल कैसे जवाब दिए जाते हैं। और मैं तो खैर निजी रूप से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी या उनके कार्यकर्ताओं के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे देश के लिए ये असमय बहुत बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि जिस प्रकार के फैसले हम ले रहे हैं, इन फैसलों के लिए हमें एक बहुत मजबूत अधिवक्ता आज हमने खो दिया है, चाहे वो कश्मीर का विषय रहा हो, चाहे वो GST का हो, चाहे अन्य विषय हो जो आने वाले भी विषय हैं। उसको क्या तकरीर वो बहुत लोगों के पक्ष में रखते थे, चाहे वो भारत का विषय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन बातों को रखने का विषय हो। तो मुझे लगता है आज हमने भारत का एक प्रवक्ता जो है वो खोया है। मैं उसको दल में बांध के शायद नहीं रख पाऊंगा। ठीक, वाजपेयी जी मैं आता हूं आपके पास। एक सवाल मेरा मधुकर द्विवेदी जी से, रायपुर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मधुकर जी, अभी जब हम अभी सुन रहे थे तो आलोक संजर जी ने चुनाव से पहले किस तरह की रणनीति है उस पर जिक्र किया। 2014 के बाद चुनाव जीतने के बाद मुझे घटना याद आती है, मैं उस पर चाहूंगा कि आपसे सवाल पूछूं। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए और मोदी पार्ट वन सरकार बनी, उससे पहले यूपीए सरकार को घेरने में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी ने चूज किया था, लेकिन सरकार में आने के फौरन बाद यह दबाव भी था कि जिस मुद्दे को हमने चुना है उसे कैसे कम किया जाए, और उसका दारोमदार उठा लिया अपने सिर पर अरुण जेटली ने, और फिर आंकड़े और धरातल पर महंगाई हमें गिरती दिखी। देखिए, आंकड़ों पर अगर ना जाएं तो व्यवहारिक रूप से तो देखें कि उस समय महंगाई कम हुई थी और उसमें बहुत बड़ा योगदान अरुण जेटली का भी माना जा सकता है। आज अरुण जेटली जी हमारे बीच नहीं हैं, हम सब उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके कामयाबी पर, उनके व्यक्तित्व पर, देश के लिए जो उन्होंने किया उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो वाजपेयी जी के सरकार में भी और उसके बाद भी और आज तक वो एक तरह से सरकार के और संगठन के लिए एक संकट मोचक की भूमिका, उनके लिए संकट मोचक शब्द अक्सर प्रयोग में लाया जाता रहा, तो वो संकट मोचक की भूमिका में रहे और उन संकटों से उन्होंने निजात दिलाई जो प्रायः सरकार को अलोकप्रिय बना देते हैं। ये उनके व्यक्तित्व की एक बड़ी विशेषता रही कि वो जो भी दायित्व वरिष्ठों ने उन्हें दिया जी, विश्वास करके दिया, उसको उन्होंने उसी विश्वास के साथ पूरा किया और
सरकार की प्रतिष्ठा में और अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा में कोई आंच नहीं आने दिया, क्योंकि वो स्वयं में उन संघर्षों की उपज थे। एक छात्र नेता के तौर उन्होंने अपना सामाजिक जीवन, धनंजय जी भी हमारे साथ हैं, शुरू किया था जी, और एक बड़ा ये भी बहुत अहम है कि इतना बड़ा राजनीतिक करियर किसी नेता का हो और जब ऐसी राजनीति का दौर हो कि एक दूसरे को की गला काटने पर नेता आमादा हो, तब एक ऐसा नेता जिसके ऊपर कोई बड़ा आरोप दिखाई भी नहीं देता। धनंजय जी, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा, आपने गलत शब्द का थोड़ा सा इस्तेमाल किया कि बड़ा आरोप नहीं, कोई जेटली के पूरे जीवन में कोई छोटा सा आरोप भी उन पर नहीं लगा। उन्होंने पूरा राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन को जिस सादगी से जिया, उतनी ही निष्ठा के साथ उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई, चाहे वो एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में हो, एक एडवोकेट के रूप में हो, एक केंद्रीय मंत्री के रूप में हो, सारी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। और जो लोग उनको नजदीकी से जानते हैं वो लोग ये बताते हैं कि वो बड़े संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके स्टाफ में जो लोग काम करते थे, उनके पीए हुआ करते थे, उनके स्टेनोटाइपिस्ट से लेकर के बाकी छोटे एडवोकेट्स जो काम करते थे उनके साथ में, उनके वो उनसे वो पारिवारिक रूप से जुड़े हुए थे। और मुझे एक बड़े पॉलिटिशियन ने बताया था कि उनके जितने बच्चे थे उनके स्टाफ के लोगों के, उनके बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्च जेटली जी उठाया करते थे, इतने बड़े संवेदनशील नेता थे। और देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से तो जेटली जी का निधन बहुत बड़ी क्षति है। राम, सन 2003 की बात है, 2003 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में विकास पहली बार मुद्दा बना था, और मुझे लगता है कि देश के किसी भी राज्य में पहली बार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया था, बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाया गया था। ये सिर्फ जेटली जी के ब्रेन की उपज थी। उन्होंने इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो थिंक टैंक थे, रणनीतिकार थे। धनंजय सर, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, क्योंकि हम पूरी रात बैठकर बात करेंगे तो भी अरुण जेटली जी के बारे में हम उनका हर पहलू नहीं कवर कर पाएंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक है और हम फौरन लौट रहे हैं, कुछ और उनसे जुड़ी हुई चीजों को याद करेंगे और उस पर जिक्र करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आज भारतीय सियासत का अरुण अस्त हो गया। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का निधन हो गया। दोपहर 12:07 पर उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। अभी उनके घर पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है। पार्टी कार्यकर्ता, नेता, आम लोग सभी वहां पहुंच रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं और हम भी उन्हें यहां याद कर रहे हैं। बिल्कुल, और उनसे जुड़ी यादें हैं, उनसे जुड़े अनुभव हैं जिनके बारे में हम जान रहे हैं, कुछ वरिष्ठ नेताओं से, वरिष्ठ पत्रकारों से, लोगों से, कि लोग किस रूप में अरुण जेटली को याद कर रहे हैं। हमारे साथ सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से इस वक्त जुड़े हुए हैं। पूर्व सांसद आलोक संजर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम अनुज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही राहुल मिश्रा भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनके पास चलेंगे, लेकिन पहले सुरेश शर्मा जी, आपसे, आपके पास आना चाहते हैं, और मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहता हूं कि कौन से ऐसे नेता आपके पसंदीदा थे और क्या उनमें अरुण जेटली थे कि जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर अटेंड करने का आपको अवसर मिले तो फिर ढेर सारा कंटेंट आपके हाथ लगता था, और ऐसा कि जिसमें से हेडलाइन चुनने में आपको बहुत दिक्कत नहीं होती थी, एक साथ 6-8 हेडलाइन देकर जाते थे। बिल्कुल सही आकलन है आपका। अरुण जेटली जी न केवल मीडिया के बारे में जानते थे कि मीडिया आखिर चाहता क्या है, छापना, वो जो छपवाना चाहते थे वो बातें अपने सलीके से कह देते थे और मीडिया जो है उन बातों को ग्रहण करता था, इसमें कोई शक संशय नहीं है। अरुण जेटली जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे काफी अटेंड करने का मौका मिला, और मुझे याद है जब वो भोपाल आए थे और एयरपोर्ट पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, और उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे जो विदेश से लौट करके आए थे, उनके साथ अरुण जी भी आए थे, और उन्होंने यहाँ जो है जिस तरीके से कहा कि मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान जो हुआ है, यानी कि जल जो सिंचाई की क्षमता मध्य प्रदेश में बढ़ाई गई है, ये हमारे देश के लिए यूनिक हो सकता है, और उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश से सीख के जा रहा हूँ। मुझे ये लगा कि हमारे राज्य की उपलब्धियां भी उनके ध्यान में थी, और उन्होंने राष्ट्रव्यापी उसका जो है एक अभियान भी चलाया। अरुण जी की सबसे बड़ी विशेषताएं ये थी कि वो जो
बात कहते थे वो अकाट्य तर्क होते थे और उसके कारण जो है वो विपक्ष के लोगों में भी और बाकी लोगों में वो काफी इस तार्किक दृष्टि से बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे तो उनके साथ कई बार बात करने का मौका मिला है। वो ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे कि राजनीति में दो तीन बातें साथ साथ चलेंगी। राजनीति में जो उनके माध्यम से जो एक जिसको कहते हैं ना कारपोरेट कल्चर जो है, राजनीति का कारपोरेट कल्चर भी उन्हीं के माध्यम से जो है शुरू हुआ था। वो बहुत ही एक 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 प्रकार का उनका जो तरीका था वो तरीका बिल्कुल ऐसा व्यवस्थित रहता था जिसमें वो ये किसी भी काम को सलीके से करते थे। 2003 में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसके अंदर उनको जो है यहाँ इसका प्रभार दिया गया था मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और उस समय जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिग्विजय सिंह के खिलाफ वातावरण बनाने की कोशिश की थी वो उनकी एक विशेष कला जो है उस समय इसीलिए बेहतर रणनीतिकार के तौर पर आज तक उन्हें पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं, नेता जानते हैं और उनकी पहचान भी है। आलोक संजर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इसके साथ हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारे साथ रवि भोई साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ गए हमारे साथ रायपुर से। भोई जी आपका भी बहुत स्वागत है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आलोक संजर जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जब हम ये बात करते हैं कि मीडिया पर आकर वो किस तरह से बात कहते थे, बयान देते थे, एक चिंता प्रधानमंत्री जी ने भी हाल ही में जाहिर की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जब नए सांसद 2019 में चुनकर आए तो उन्होंने बताया कि मीडिया का जब माइक आपके सामने आए तो खुद पर संयम रखें, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसका ख्याल रखें। लेकिन अरुण जेटली अपने आप में इसका साक्षात उदाहरण थे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो या उनका बयान लिया जाए, वो तार्किक बातें किया करते थे और कभी कोई विवादित बयान उनकी जुबान से बाहर नहीं आया। निश्चित रूप से जब मैं नया नया सांसद बना था और एक वर्कशॉप हमारा हुआ था, और वर्कशॉप में भी जब आदरणीय जेटली जी का जब सेशन था तब उन्होंने सभी सांसदों को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया था कि हमारी वे ऑफ वर्किंग कैसी होनी चाहिए। और शायद प्रधानमंत्री जी की यह भी मंशा ही थी कि सभी सांसद बात इस बात को समझें। फिर भी बीच बीच में जब भी कभी किसी के जो था जबान पलट जाया करती थी, कुछ अनर्गल निकल जाया करता था, तो भी बुलाकर समझाने का वो उनका एक शगल था। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2003 में भी जब हम छोटे में युवा मोर्चे का मैं तब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तब अरुण जी के साथ जब बैठना हुआ और एक जावली, सुरेश शर्मा जी यहां बैठे हुए उनको याद होगा, एक जावली केंद्र बनाया गया था जिसमें माननीय अनिल माधव दवे जी को पूरी कमान सौंपी गई थी और जेटली जी ने तब कार्य योजना बनाई थी कि हमको कैसे चुनाव लड़ना है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं पूरे प्रदेश की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें किस तरह से काम करना है, एक व्यू रचना बनाकर कहां पर क्या बात करनी है। हमारे जो प्रवक्तागण थे, हमारे जो लोग कार्यकर्ता लोग थे जो फील्ड फेस कर रहे थे, उनको भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया था कि हमको कैसे एक बात रखना, हमारी बात में हमारी पॉजिटिविटी कितनी ज्यादा आए, नेगेटिविटी कम से कम आए। तो इस तरह का जो उन्होंने अटैक करा, उमा भारती जी को सामने लेकर आए थे वो, और सामने लाने के बाद उमा जी को पूरा प्लांड वे में पूरे प्रदेश में उन्होंने घुमाया था और दिग्विजय सिंह जी का 10 साल का शासन जो था वो खत्म हुआ था। तो मैं ये कह सकता हूं कि वाकई एक बहुत बड़े प्लानर, और प्लानर के साथ साथ बहुत ही सहज सुलभ और बहुत शिष्टता से बात करने वाले हमारे नेता थे। जी बिल्कुल। तो आलोक संजर जी, ये अनुभव अपने साथ के जुड़े हुए जो बता रहे हैं, रवि भोई जी के पास हम चलते हैं। रवि जी, ये सरकार बनी यहाँ पर, इसके बाद जब ये बदलाव का दौर आया कि फिर रमन सिंह जीत कर आए और फिर लगातार सत्ता में रहे, छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से, छत्तीसगढ़ के बनने की दृष्टि से आप अरुण जेटली के योगदान को किस रूप में देखते हैं? देखिए, अरुण जेटली जी जब छत्तीसगढ़ बना उस समय लगातार वो दौरे पे आते रहे हैं और पत्रकार के नाते हम उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलते रहे, उनसे बातचीत भी करते रहे, सवाल जवाब भी होते रहे, पर उनका जवाब बहुत सटीक हुआ करता था और मुद्दों पे वो बात करते थे। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, जब यहाँ पर 2003 में सत्ता परिवर्तन हुआ, अजीत जोगी की सरकार थी और वो चली गई सरकार, उनको बहुमत नहीं मिला, तब एक बड़ा इंसिडेंस हुआ, यहाँ विधायकों की खरीद फरोख्त की बात आई और जब पता चला कि अजीत जोगी कुछ कर रहे हैं और विधायकों को तोड़ रहे हैं, तब अरुण जेटली आए थे और उन्होंने सारी चीज को जिस तरह मैनेज किया और अजीत जोगी को अपने जो उद्देश्य था उसे सफल नहीं होने दिया, तो उस समय लगा कि अरुण जेटली एक अच्छे कानूनविद के साथ पॉलिटिशियंस भी हैं और
जो उन्होंने एक्सपोज किया जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो ये लोगों ने बहुत अच्छे से जाना कि जेटली जी बड़े राजनीतिक खिलाड़ी के साथ साथ बहुत पोलाइटली होके किसी भी चीज़ को और उसको करते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी था उसको भी आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी उनका योगदान रहा। छत्तीसगढ़ में लॉ यूनिवर्सिटी बना तो उसका श्रेय अरुण जेटली जी को ही जाता था। यहाँ पर 15 साल सरकार रही बीजेपी की और हमेशा अरुण जेटली आते रहे, वित्त मंत्री के रूप में भी आए, वहाँ पर कई कार्यक्रमों में आए, तो स्वाभाविक तौर से वो मुद्दों पे ही बात करते रहे और छत्तीसगढ़ के विकास की बात करते रहे। हमेशा अपनी सरकार के कामकाज को लेकर उन्होंने जो मुद्दे रहे मुद्दों पे ही बात की और एक विकास की दृष्टि से ही बात की। जहाँ तक पत्रकार के रूप में लगता है वो एक मीडिया फ्रेंडली रहे, हमेशा पत्रकारों की बात करते रहे, उनके सुख दुख उनके व्यवहारिक दिक्कतों पर बात करते रहे। उनका जो सम्मान होता था एक पत्रकार और राजनेता के बीच में उसको बराबर मेंटेन करते रहे। जी रवि भोई साहब, मैं आता हूं आपके पास। राहुल मिश्रा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी हैं। राहुल मैं आपके पास आ रहा हूं, और तब जबकि हम ये देख रहे हैं कि जिस जिस किरदार को उन्होंने निभाया बाखूबी निभाया, राहुल चार मंत्रालय संभाले अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने, रक्षा, कॉरपोरेट, वित्त, सूचना प्रसारण, और सूचना प्रसारण उस दौर में उन्होंने संभाला जिस दौर में भारतीय मीडिया गजब की ग्रो कर रहा था और मीडिया को बहुत कंसर्न था कि उनकी समस्याओं का निपटारा हो, और ऐसे में सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर अरुण जेटली को पाकर मीडिया को भी फायदा हुआ। बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जो बड़ी तार्किक थी और जिन्हें उतनी तार्किक तरीके से उनका निराकरण भी किया अरुण जेटली ने। देखिए मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से, क्योंकि मैं जब पार्लियामेंट क्योंकि कवर करता था, मैं पार्लियामेंट में जाता था मैं, और जिस तरीके से अरुण जेटली जी, क्योंकि अरुण जेटली जी गेट नंबर 12 से निकलते थे, गेट नंबर 12 से जो निकलते थे जो राज्यसभा का गेट हुआ करता है, और उसमें से जब बाहर की तरफ निकलते थे तो हर किसी जो भी मीडिया जो खबरनवीश थे वो दौड़ते थे कि एक उनकी बाइक कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लिया जाए, क्योंकि वहां सीधे क्योंकि मंत्रालय उनके बड़े थे। दूसरी बात, उनसे खबरें आती थी, लेकिन कई बार हमने देखा कि वो सारे सवाल सुन लेते थे, सुनने के बाद हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ चले जाते थे। वही जब हम लोग वित्त मंत्रालय में भी थे, वित्त मंत्रालय में भी कभी मतलब ये नहीं देखा हमने कि यदि उनको बयान नहीं अपना देना होता था तो सीधे तौर पर मुस्कुराते हुए आपसे गर्दन को हिलाते हुए, क्यों मैं अनुभव वही चीज कर रहा हूँ कि गर्दन को हिलाते हुए और उसके बाद जाकर के अपनी गाड़ी में बैठते थे और निकल जाते थे। कभी भी ये नहीं होती झल्लाट भरा चीज उनका हमने कभी देखने को। और एक सबसे बड़ी चीज है कि जो उनकी बातें थी वो नपे तुले अपने शब्दों को प्रयोग करते थे, वन लाइनर ज्यादातर उनका देखने को मिलता था, वो चाहे किसी भी मंत्रालय में रहे हो, हर जगह पे उन्होंने वन लाइनर के तौर पे या जो नपे तुले अपनी जो बातें हैं उनको रखते थे और हम लोग के सामने में रखते थे। मैं पार्लियामेंट में खुद ही उनको कई बार कवर करने के लिए गया, कई बार उनसे बाइट भी लिया मैंने, बाइट लिया, बड़े प्यार से बाइट देते थे, हम लोग से मिलते भी थे। लेकिन क्योंकि हमारे साथ में ये मथुरा के लोग हैं तो उनसे जरा जानेंगे कि आखिर में उन लोग जब कभी आए तो कभी मुलाकात हुई या कभी दिल्ली की तरफ गए ये लोग तो कभी मुलाकात किया उन लोगों ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यज्ञदत्त कौशिक है और मैं भारतीय। ये कि कभी मुलाकात हुई क्या? हाँ, मेरी मुलाकात हुई और वो बड़े ही शालीन व्यक्ति थे और युवा भारतीय जनता पार्टी के उन्हें शिक्षक के रूप में देखते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे और बहुत ही प्रखर वक्ता और एक समर्पित कार्यकर्ता थे। युवाओं को उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता था, सरल स्वभाव के धनी थे और भारत की जनता ने उन्हें भाजपा से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, भारत की जनता ने उन्हें बड़े करीब से देखा है। 2014 से 19 तक वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो मैं यही कहना चाहूंगा कार्यकर्ताओं के लिए एक शिक्षक गया है, उनकी जो क्षति है अपूर्णीय है हमारे लिए, हम लोग उनसे आगे भी बहुत कुछ सीखते हैं अपने भविष्य में, वो हमें शायद नहीं मिलने वाला आगे, लेकिन युवाओं के आत्मा उनकी आत्मा एक आइकॉन के रूप में हमेशा युवाएं आप लोगों को हमेशा मार्गदर्शन के तौर पे देते थे। जी, क्या नाम है आपका? नरदेव चौधरी। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री भी हूँ, जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। मुलाकात कभी नजदीकी नहीं हुई, व्यक्तिगत मुलाकात भी नहीं हो पाई, लेकिन दूर से हमने हमेशा उन्हें देखा, उनसे ये सीखा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में अरुण जेटली जी देश से नहीं गए हैं, जबकि हिंदुस्तान की आवाम की आवाज के रूप में यहाँ से विदा होके गए हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक
चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, किसी भी दल से संबंध रखता हो। हम देख रहे हैं इससे पहले भी सुषमा जी और अन्य बड़े नेताओं का देहांत आज हुआ परिकर जी का, लेकिन जिस तरह जेटली जी के जाने पर देश आंसू में बह रहा है, विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी उन्होंने तमाम बार सेतु बन के ऐसा काम किया, उदाहरण पेश किया, जब महंगाई दर कंट्रोल पूरी दुनिया में नहीं हो रही थी, भारत के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने 7.9 से सीधे 3.2 को अपने कार्यकाल में महंगाई दर को लाकर, ऐसे कई अनुभव हैं जो अरुण जेटली से जुड़े हुए अब याद में हैं। हम रुक कर रहे हैं रामानुज हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, हम आपके पास भी आ रहे हैं और देहरादून उत्तराखंड इससे जुड़े हुए जो जेटली साहब के अनुभव हैं या यहाँ के लोगों ने जिस रूप में अरुण जेटली को देखा है, एक उम्मीद तो होती है कि वित्त मंत्री हैं देश के तो हर प्रदेश को कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड को जो मिला उसके बारे में जरा आप बताइए और किस तरह उत्तराखंड के लोग यहाँ के राजनेता जेटली जी को याद कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका चूंकि लगाव अगर देखेंगे तो चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे कभी पार्टी की बैठक रही हो या कभी पार्टी संगठन की बैठक हुई हो, वो उत्तराखंड आते रहे हैं। और जिस तरह से अभी आपने देखा कि हमारे दूसरे सहयोगियों ने भी जिक्र किया है, उत्तराखंड में अगर आप उनको देखेंगे तो हमारे साथ में कई ऐसे पदाधिकारी भी हैं पार्टी के, हम उन्हीं से इस बारे में जान लेते हैं। लेकिन चाहे उनका व्यक्तित्व तो आप लॉ के बारे में देखेंगे, चाहे वो वाणिज्य के बारे में देखेंगे, बहुत बाखूबी वो अपनी किरदार को उन्होंने अदा किया है। किस तरह से आप उनको याद करते हैं? देखिए, श्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी का संबंध उत्तराखंड से बहुत लंबा रहा है और समय समय पर उन्होंने यहाँ पर जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, उनमें समय समय पे आके जो गत विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें तो जो यहाँ का संकल्प पत्र था वो भी उन्होंने स्वयं बनाया और स्वयं उन्होंने उसे जारी किया, और साथ में जो बुद्धिजीवी सम्मेलन, अधिवक्ताओं के सम्मेलन, इस तरह के काफ़ी सम्मेलन करके जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग था उसको भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित करने का उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, जिससे पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत एक बड़ा वर्ग आकर्षित हुआ। उनका चूंकि उत्तराखंड से काफ़ी लगाव देखने को मिलता रहा, आप लोग कई मीटिंग में शिरकत भी की, शामिल भी हुए, किस तरह से आप उनको याद करते हैं? नहीं, देखिए, अरुण जी तो बेनजीर व्यक्तित्व के धनी थे और वो कुशल विधिवेत्ता थे, वो विदेशी मामलों के जानकार थे, वो रक्षा मामलों के जानकार थे, और देखिए वो हर दिल अजीज थे, कार्यकर्ताओं के हृदय सम्राट थे, वो हमारे नौजवानों के हृदय सम्राट थे, वो दिल्ली छात्र संघ के निर्वाचित जो है विद्यार्थी परिषद के निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष रहे। देखिए वो जिस प्रकार से उनके वित्त मंत्रित्व काल में आप देखिए कितनी बड़ी योजनाएं इस देश के किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि, करोड़ों किसानों को लाभान्वित करने के लिए, आप देखिए अटल आयुष्मान जैसी योजना के लिए उन्होंने खजाना खोलने का काम किया, हजारों लाखों लोगों को उन्होंने जो है उस दुख और दर्द से जो है मुक्त करने का काम किया, और जिस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उन्होंने जो कोष खोलने का काम किया, ये कहा जा सकता है। देखिए वो तो तुलसीदास जी ने भी कहा कि मणिमाणिक महंगे किए सहजे तृण जलनाज, और तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। अरुण जी जो है वो गरीबों के राम थे और इसलिए उनके वित्त मंत्रित्व काल में जो अभूतपूर्व, जो अलौकिक योजनाएं इस देश में लागू हुई हैं, मैं सोचता हूं कि इस देश का हर व्यक्ति ये चाहेगा कि अरुण जी का पुनः पुनः इस देश में प्रत्यर्पण हो, इस देश के अंदर उनका अवतरण हो और वे पुनः जो है इस देश के लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम करें। ठीक है रामानुज, आप आते हैं आपके पास और भगवान कृष्ण से भी हमारी यही दुआ है, प्रार्थना है, क्योंकि आज आनंद का, गोविंद का, श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है और आज ही अस्त हुआ है सियासत का एक अरुण, उनके श्री चरणों में वो मौका दें उनको और उनकी आत्मा को शांति दें, ये हम प्रार्थना करते हैं। मैं एक बार फिर सुरेश शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा एक सवाल है। हमने महंगाई पर भी बात की कि 2014 में जब सरकार आई, मोदी सरकार वन, तो उस वक्त महंगाई पर काबू पाना बहुत जरूरी था क्योंकि मैनिफेस्टो में ये बहुत ऊपर था।
14 से पहले की मैं बात कर रहा हूं आपसे, 14 से पहले बीजेपी को प्रधानमंत्री के तौर पर कौन लीड करेगा? और मुझे याद आता है जब गोवा में वो समिट हुआ था ऐतिहासिक, जिसमें एक नाम निकलकर आना था कि प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, किसको कैंडिडेट के तौर पर हम खड़ा करें, तो जब नरेंद्र मोदी का नाम उसमें आया तो सबसे पहले और सबसे मजबूत पक्षधर के तौर पर अरुण जेटली ने नाम सुझाया भी था और उसका समर्थन भी किया था। शायद वो ये बात वहां से जान रहे थे कि नरेंद्र मोदी इस वक्त एक ऐसे नेता हैं जो न सिर्फ यूपीए को टक्कर दे सकते हैं बल्कि बीजेपी जो देश के लिए करना चाहती है उसके अगुआ नेता मोदी हो सकते हैं। ये बात है, गोवा में जब बैठक हुई थी तो अरुण जेटली जी और मनोहर पर्रिकर जी ये मुख्य रूप से किरदार थे जिन्होंने इस नाम को अपने नरेंद्र मोदी जी के नाम को आगे बढ़ाया था। हालांकि आडवाणी जी का जितना ज्यादा विरोध था ये भी इसमें रेखांकित करने वाली बात है, उसके बावजूद भी अरुण जेटली जी, क्योंकि अरुण जेटली जी को आडवाणी जी के नजदीक माना जाता है जाता रहा है, तो उन्होंने इस सारे मामले को सॉर्ट आउट करते हुए और आगे लाने का प्रयास किया था। और मुझे जहां तक जानकारी है कि मनोहर पर्रिकर और अरुण जेटली और इन सब के कहने के बाद राजनाथ सिंह जी ने उनके नाम का अनाउंस किया था, जबकि संघ की दृष्टि से यह नाम काफी पहले सुझा दिया गया था जिसको एग्जीक्यूट करने का काम अरुण जेटली जी के माध्यम से हुआ था। ये बात सच है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। एक चीज जो मैं और कहना चाहता हूं, अरुण जेटली जी की जो दूसरी विशेषताओं के साथ साथ ये विशेषता है कि उनको जब भी कोई टास्क दिया जाता था या वो कोई टास्क जो है वो डिसाइड करते थे तो उसके क्रियान्वयन करने का तरीका भी उनको मालूम होता था। वो टास्क के सोचने के साथ साथ उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है और परिणाम तक कैसे पहुंचाना है, उस परिणाम तक पहुंचाने में कौन कौन लोग उनके साझेदार हो सकते हैं, वो उनका सटीक चयन करते थे और अपने काम को लक्ष्य तक पहुंचाने की स्थिति तक वो पहुंच जाते थे। ये नरेंद्र मोदी जी वाला टास्क जो था ये भी उन्होंने जो है ये और 2003 का जैसा मैंने पिछले चरण में भी उल्लेख किया था, उमा भारती जी को मुख्यमंत्रीयल कैंडिडेट यानी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनाने में कई लोगों ने बाधा उत्पन्न की थी, उसको पार पाने के लिए ये बात अनिल माधव दबे और अरुण जेटली जी ने उसको जो है पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कराने का काम किया। और मुझे लगता है अरुण जेटली जी टीचर तो थे ही यानी अध्यापक तो थे ही, वो अध्यापक के क्रियान्वयन को कराना भी जानते थे कि भाई मैं जो अध्यापन कराऊं स्टूडेंट की समझ में आया या नहीं आया, स्टूडेंट उस दिशा में काम करेगा या नहीं करेगा। ये अरुण जेटली की विशेषताओं में शुमार था, उनकी पहुंच जो है उनकी विशेषताएं केवल भारतीय जनता पार्टी में कई है बल्कि अन्य दलों। और सबसे बड़ी बात यह है भारतीय राजनीति में कि जो कड़क फैसले लेता है, जो कठोर कदम उठाता है, फिर वो जनता की अदालत में जब जाता है तो उसको उतनी सहजता से जनता स्वीकार नहीं करती। और यही बात है कि अरुण जेटली जब जनता के बीच जाते हैं तो 2014 में चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। और वजह यही है कि सही क्या है गलत क्या है इसके बीच में एक कठोरता के साथ फैसले लेकर उसको जमीन पर उतारने का काम अरुण जेटली लगातार करते रहे। और कटु बातें भी वो कई बार बोल जाया करते थे, लेकिन कटु है सत्य है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी अरुण जेटली सीधे तौर पर जनता के सामने उसको रख देते थे। इसके लिए भी अरुण जेटली को जाना जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हमें लेना है, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, अब हमारे बीच नहीं है। आज दोपहर 12:07 पर उन्होंने आखिरी सांस ली एम्स में और अभी फिलहाल उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसकी तस्वीरें ही उसकी याद का एक जरिया रह जाती हैं और उन तस्वीरों के जरिए ही हम लोगों को याद करते हैं उनके बारे में, फिर हम उन्हें पहचान रखते हैं। और एक ऐसी तस्वीर जरा दर्शकों को दिखाते हैं, एक तरह से दुर्लभ तस्वीर है जिसमें अरुण जेटली हैं, सुषमा स्वराज हैं और अनंत कुमार हैं। ये तस्वीर जरा आप देखिए, तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं और ये महज
एक इत्तेफाक ही है कि बीजेपी के ये तीनों ही दिग्गज नेता आज हमारे बीच नहीं हैं। तीनों ही पूर्व केंद्रीय मंत्री एक साथ कैबिनेट में सदस्य रहे। अनंत कुमार उनका पहले निधन हुआ, फिर सुषमा स्वराज का निधन हुआ और फिर अरुण जेटली। आज ये दुखद खबर आई कि अरुण जेटली भी हमारे बीच नहीं हैं। तो बीजेपी के तीनों दिग्गज नेता, तीन पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक तरह से बीजेपी की रीढ़ जिसे आप कहिए, ये तीनों ही दिग्गज नेता अब हमारे बीच नहीं हैं। दो हजार 2014 के बाद से अब तक बीजेपी ने सफलता के कई कीर्तिमान गढ़े हैं और इन सफलताओं में अरुण जेटली की अहम भूमिका रही है। पीएम मोदी की छवि, अमित शाह की रणनीति और अरुण जेटली की सूझबूझ का ही नतीजा है कि बीजेपी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने में न सिर्फ सफल रही बल्कि 2019 में दोबारा जीत दर्ज कर सत्ता पर फिर काबिज हुई। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी मौजूदा वक्त में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है और इस दौर में अमित शाह की छवि पीएम मोदी के करीबी नेताओं के साथ बीजेपी के रणनीतिकार के रूप में रही है। लेकिन 2014 में बीजेपी की जीत और 2019 में पार्टी की ऐतिहासिक विजय की बुनियाद रखने में एक और नेता की अहम भूमिका रही। वो तीसरा नाम है हमेशा से पार्टी की संकट मोचक की भूमिका में रहे अरुण जेटली का, जिसकी काट विपक्ष में बैठे दल खोज नहीं पाए। पीएम मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली की तिकड़ी का असर पिछले 5 सालों के दौरान हुए अहम फैसलों पर दिखाई देता है। फिर चाहे नोटबंदी का फैसला हो या विपक्ष के विरोध के बावजूद लागू हुआ GST। बोर्ड पर घबरा के ना थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। दरअसल पीएम मोदी और जेटली की दोस्ती 2 दशक से भी ज्यादा पुरानी थी। जेटली और पीएम मोदी के बीच नजदीकी संबंध तब से थे जब वो सत्ता में नहीं थे। वो अरुण जेटली ही थे जो नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों के सिलसिले में लग रहे आरोपों के बीच भी उनके संकट मोचक की तरह खड़े रहे। बीते वर्षों में जहां अमित शाह ने अपनी रणनीतिक कौशल से उन राज्यों में बीजेपी की स्थिति को मजबूती दी जहां बीजेपी की उपस्थिति तक नहीं थी, तो जेटली राफेल डील से लेकर दूसरे मुद्दों पर सरकार की ढाल बने रहे। My roadmap for fiscal consolidation is a fiscal deficit of 3.6% for 2015-16 crore under the TSP. माना जाता है कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर जो पेंच फंसा था उसे सुलझाने में अरुण जेटली की अहम भूमिका रही, क्योंकि उस समय माना जाने लगा कि उपेंद्र कुशवाहा के बाद रामविलास पासवान भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन समय रहते ही सीटों पर फंसा पेच सुलझ गया। दरअसल अरुण जेटली की गिनती उन नेताओं में होती थी जिनके संबंध पार्टी नेताओं के साथ विपक्ष के नेताओं के साथ भी बेहतर थे, लिहाजा अपने कार्यकाल में सरकार जब भी मुसीबत में नजर आई जेटली संकट मोचक की तरह। याद कीजिए जब भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन को लेकर मोदी सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अरुण जेटली की पहल पर न सिर्फ विपक्षी दल बहस करने को तैयार हुए बल्कि बिल संसद में पास भी हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और 2 वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त सुरेश शर्मा जी भोपाल से और रवि भोई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बार फिर हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। सर सुरेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल है। हम जब
उनके मंत्रालय के बारे में जिक्र कर रहे हैं अरुण जेटली जी के बारे में कि क्या क्या जिम्मेदारियां थीं, कैसे कैसे निभाई। मुझे एक चीज याद आती है कि शायद अपने आखिरी वक्त में एक चीज ऐसी जरूर रही होगी जो अरुण जेटली साहब जिस पर अफसोस कर रहे होंगे या भगवान से वो प्रार्थना कर रहे होंगे कि अगर कुछ और वक्त मिलता तो मैं इस दिशा में कुछ काम करने की सोचता। और वो एक चीज ये थी कि देश की इच्छा थी और विरोधी भी इस बात को बहुत मजबूती से कहते थे कि आप जीएसटी लाए, बहुत स्वागत आपका, लेकिन देश में पेट्रोलियम भी जीएसटी के अंदर आना चाहिए। इसको लेकर जितने सवाल धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछे जाते थे उतने ही सवाल बतौर वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से पूछे जाते थे, और अरुण जेटली जी उसमें हमेशा कहते थे कि हम देख रहे हैं कि कैसे राजस्व को भी बहुत हानि ना हो और आम जनता को भी हम जीएसटी में पेट्रोलियम को जीएसटी मिलाकर उन्हें राहत दें, लेकिन शायद वो कार्य अधूरा रह गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष था, बार बार ये जो है विपक्ष की ओर से भी और आम जनता की ओर से भी ये डिमांड रहती थी कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम पदार्थ और आबकारी जैसी चीजें जो बाहर रहती हैं और अन्य जो शासकीय संस्थाओं द्वारा बेचे जाने वाले कुछ और आइटम्स जो बाहर हैं उनको शामिल किया जाए, लेकिन राज्य सरकारों की ओर से इस पर आम सहमति नहीं बन पा रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जीएसटी के माध्यम से राज्य सरकार को उतनी राजस्व प्राप्तियां हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त नहीं होती और उसकी भरपाई वो पेट्रोलियम पदार्थों के माध्यम से करते हैं, जैसे पिछले दिनों रेट घटा बढ़ा करके की गई थी। तो ये इस सारे मामले में जो है बाधक था और काफी प्रयास अटल जी जेटली जी ने भी किए और वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं या जो जो उसके कमेटी का जो अध्यक्ष वित्त मंत्री राज्यों का होता है उसने किए हैं, लेकिन अभी तक उस पर ये बात सच है कि उनकी ये एक इच्छा रह गई उनके जाने से पहले। मैं एक जो ब्रेक के समय में एक चीज सोच रहा था जो मैं समझता हूं कि अपने कार्यक्रम में उल्लेखित करना बहुत जरूरी है कि राजनीति में डेवलपमेंट शब्द का जो प्रयोग है वो 2003 में अरुण जेटली जी के माध्यम से पत्रकारों के बीच में प्रारंभ किया गया था। मुझे अच्छे से याद है यहां दिग्विजय सिंह जी की सरकार के कामकाज को लेकर के सवाल उठे और उन्होंने कहा कि जो यहां हुआ बंटाढार और मैं जो है आने वाली सरकारों के माध्यम से डेवलपमेंट का वादा करता हूं, विकास का वादा करता हूं, और उन्होंने विकास कैसे होगा इसका एक खाका खींचने का काम किया था। तो ये जो राजनीति में जो डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल होना प्रारंभ हुआ है ये 2003 के आसपास अरुण जेटली जी के द्वारा दिए गए शब्दों में से एक शब्द है। तो मुझे लगता है इसका उल्लेख करना जरूरी था, इसलिए मैंने उल्लेख कर दिया। जहां तक वित्त मंत्री के रूप में जैसा आपने उल्लेखित किया, वित्त मंत्री के रूप में काम करने का अरुण जेटली जी का जो था उसमें काफी उपलब्धियां थी। नोटबंदी वाले मामले में ये बात ठीक है कि हम सब लोगों को ये बात का ध्यान है क्योंकि हर चीज पॉजिटिव बोलना भी मैं समझता हूं एक प्रथा है, लेकिन उसके साथ ही ये कहेंगे कि नोटबंदी के समय बैंकों के मैनेजर्स पर नियंत्रण नहीं होना भी एक बहुत बड़ा काम था। शायद वो उनके ध्यान में रहा होगा कि उनके कार्यकाल के अंदर जो बैंक मैनेजर्स ने जो अकाउंट्स खोल करके जो काले धन को समायोजित कर लिया और आज जो है सरकारें उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, ये भी एक ऐसा विषय था जिस विषय को आज की चर्चा में शामिल किया जाना चाहिए। और जीएसटी वाले के मामलों में तो हम सब इसका उल्लेख कर ही चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे साहसिक कदम थे जिस कदम को जो है कहीं कहीं आज अरुण जेटली जी के साथ जोड़ करके देखा जा सकता है। रवि जी, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनको चलते हुए देखे हैं और 2002 से भी देखिए, 2013 से 14 का पड़ाव भी आप देखिए, और फिर खास तौर से लुटियन दिल्ली में एक ऐसे नेता को पूर्ण रूप से स्थापित करने की जिम्मेदारी भी जो लुटियन के आसपास भी कभी नहीं रहा, गुजरात से आकर दिल्ली को समझना। ये हमेशा लोग कहते हैं कि अरुण जेटली अगर नरेंद्र मोदी के पीछे नहीं होते तो बहुत वक्त लग जाता उन्हें दिल्ली में अपने आप को स्थापित करने में। रवि जी, जी देखिए, जो जेटली जी ने जिस तरह से दोस्ती निभाई, चाहे गुजरात में सरकार रहते उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया और उसके बाद दिल्ली में सरकार बनते ही, शुरू में ये कहा जा रहा था कि अमृतसर से जेटली जी चुनाव हार गए हैं इसलिए उनको किसी मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जब उनको वित्त मंत्री बनाया गया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक हारे हुए व्यक्ति को वित्त मंत्री जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिया गया। लेकिन
ये पता था कि उनका क्या इंपॉर्टेंस है। और जहां तक आपका सवाल है लुटियंस में, उन्होंने दिल्ली में स्थापित करने का काम किया, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में अरुण जेटली की पकड़ जबरदस्त थी। लोग ये भी कहते हैं यदि दिल्ली जी अरुण जेटली जी अमृतसर की जगह दिल्ली में चुनाव लड़ते तो जीत सकते थे। तो ये उनकी एक पकड़ थी दिल्ली में, और दिल्ली के कॉरपोरेट जगत में हो, कॉरपोरेट सेक्टर में हो, या दिल्ली की राजनीति में, या दिल्ली के लोगों में, एक आईएएस लॉबी में बड़ी पकड़ थी अरुण जेटली जी की। और उन्होंने इमेज बनाने का काम किया प्रधानमंत्री जी का, और उनको स्थापित किया दिल्ली की, एक जो कामकाज के तरीके थे, अफसरशाही थी, उनमें भी बदलाव लाने में प्रधानमंत्री का साथ अरुण जेटली जी ने लिया। और एक और बात है जो दिल्ली के चुनाव में उन्होंने किरण जी को लेके आया, किरण बेदी को उन्होंने प्रोजेक्ट किया, उसमें भी बड़ा रोल अरुण जेटली का माना जाता है। ठीक, मैं आता हूँ रवि सर आपके पास भी, सुरेश जी आपके पास भी। इस वक्त रामानुज जी मीडिया संवाददाता देहरादून में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वो बीजेपी दफ्तर के सामने से मौजूद हैं। इस वक्त पार्टी दफ्तर में भी मातम का माहौल है, शोक की लहर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेता बीजेपी ने खोया है अपना। रामानुज, किसी चलते हुए व्यवसाय पार्टी धंधे को इतनी केयर की इतनी जरूरत नहीं होती जितना कि जब हम उसे शुरू करने जाते हैं। जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो इसे विशेष ख्याल चाहिए था बहुत, क्योंकि इसमें हमें पैसा भी लगाना था, नया राज्य बना दिया, उसकी अधोसंरचना उसका शुरुआत होनी है, विकास तेजी से करना है ताकि वो मुख्य धारा में आ सके बाकी राज्यों के साथ। ऐसे दौर में और नए राज्य के तौर पर किस हद तक जरूरतें पूरी हुई उत्तराखंड की, तब जबकि अरुण जेटली सब देख रहे थे। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया आपने, चूंकि उत्तराखंड एक नवोदित राज्य है और विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है, लेकिन 2014 में जब पहली बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो उस सरकार के बाद में क्या क्या उत्तराखंड में हुआ, इसका भी जिक्र करना ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि चाहे वो चार धाम योजना की बात हो, चाहे यहाँ पर रेलवे ट्रैक की बात हो, चाहे यहाँ पर पर्यटन की बात हो, इन विषयों के बारे में बड़ी शिद्दत के साथ केंद्र सरकार ने काम किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आपने पूछा 2000 से लेकर के और अब 19 सालों में अगर देखें, बहुत ऐसी जरूरतें थी जिसको भाजपा की जब सरकार आई केंद्र में और 2014 में, तो तब से बहुत कुछ पूरा हुआ। देखिए 37 वर्ष की एक अल्प आयु में श्री अरुण जेटली जी ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया, और उसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने, जिसमें प्रसार भारती जैसा एक महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिया, और आज वो हमारे बीच नहीं है, इसका बेहद अफसोस और बेहद दुख पूरा उत्तराखंड को है, और मैं पूरे उत्तराखंड की ओर से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और जैसा कि एक राष्ट्रहित में कठोर निर्णय लेने की जो उनके अंदर क्षमता थी, जिसमें नोटबंदी हो, जीएसटी हो, काला धन की रोकथाम करने के लिए उन्होंने विभिन्न उपाय किए, और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए जो भी समुचित उपाय वो कर सकते थे उन्होंने किए। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने राफेल जैसे सौदों को अंजाम दिया, और मैं सोचता हूँ राष्ट्रहित के लिए उनका जो विजन था वो सर्वोपरि था, और एक दृढ़ इच्छा शक्ति उनके अंदर थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी। और उत्तराखंड के लिए भी बहुत कुछ हुआ है, आप कोई ऐसी योजना के माध्यम से बताइए कि जो याद हो आपको। नहीं, आप देखिए, ये तो सामरिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील प्रदेश रहा है, और वर्षों से मांग रही कि हमारे सीमांत की जो सड़कें हैं वो बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए, हमारी सेना की पहुंच आसान होनी चाहिए, वहाँ विकास के कामों को इतनी तीव्र गति से बढ़ाना चाहिए कि वहाँ का पलायन रुके, जो चीन एक तरफ खड़ा है, नेपाल एक तरफ खड़ा है। तो जो आप देखें इतनी महत्वपूर्ण 22,000 करोड़ की जो ऑल वेदर रोड की जो परियोजना इस प्रदेश के अंदर शुरू हुई, वो उनके वित्त मंत्रित्व काल में हुआ, उसका जो वित्त पोषण हुआ, वित्त प्रबंधन हुआ, वो माननीय अरुण जेटली जी के कार्यकाल में हुआ। आप देखें जो जिस रेल की कल्पना कोई कर नहीं सकता था कि वो हम कर्णप्रयाग तक ले जाने की बात करते हैं, हम गंगोत्री तक ले जाने की बात करते थे, वर्षों वर्षों सर्वे हुए, लेकिन उसको धरातल पर उतारने का काम जो है वो माननीय अरुण जेटली जी के वित्त मंत्रित्व काल में ही हुआ। इस समय कम से कम जो है
8000 करोड़ की ऐसी कृषि की योजनाएं जो केंद्र के वित्त पोषित हैं, मुझे याद है कि वो पिछली जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही जिसमें जो है वित्त मंत्री थे, उनके कार्यकाल में उन्होंने जिस प्रकार खजाना खोलने का काम किया उत्तराखंड के लिए, वो उसके लिए उत्तराखंड के लोग उनके कृतज्ञ रहेंगे। और मुझे याद आता है एक आंदोलनकारी के रूप में मुझे ध्यान है कि जब 1994 में जबरदस्त यहाँ आंदोलन हुआ और नौजवानों का नरसंहार हुआ, मातृशक्ति के साथ जो व्यवहार हुआ, और जब हम दिल्ली जाकर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मिले तो अरुण जेटली जी के साथ सामने भी हमने बहुत सारी चीजें रखी। उन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव रखा था कि विधिक रूप से यदि कोई सहायता कहीं हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की बात है तो वो 24 घंटे आंदोलनकारी साथियों के बीच में है। ये उनका अपने, जो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, पार्टी नेताओं के प्रति उनका जज्बा था, ये उनका किस तरह से ख्याल रखते थे ये बता रहे हैं देहरादून से जो बीजेपी पदाधिकारी हैं हमारे साथ। रवि सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र भी किया कि अरुण जेटली जी ने पूरी मित्रता निभाई। जेटली साहब ने जब पीएम मोदी उस वक्त जब सीएम थे, गुजरात राइट्स की बात हो या दिल्ली में उन्हें स्थापित करना, ये सब हम इस पर बातचीत कर रहे थे। इस पर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि 2014 में जब अमृतसर सीट जो लगातार बीजेपी जीतते आ रही थी, सिद्धू वो सीट निकालते आ रहे थे, वो सेफ सीट जब अरुण जेटली हार गए थे, और हम ये जानते हैं कि राजनीति में सिर्फ लोकप्रियता या ये ही फैक्टर नहीं होते हैं, बहुत से फैक्टर काम करते हैं जीत हार के पीछे। मोदी ने पूरी तरह से भरोसा किया अरुण जेटली पर, और वो ये भी जानते थे कि जीत हार एक अलग चीज है, क्या फैक्टर्स रहे उनमें जाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक मजबूत साथी चाहिए, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं, पहली बार सरकार इतनी मैंडेट से बीजेपी को मिली है, और ऐसे में वो पुराने साथी, भरोसेमंद साथी चाहिए ताकि देश जिस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं वो आसानी हो इन साथियों के जरिए से। जी, ये सही है कि जेटली जी मोदी जी के भरोसेमंद साथी थे, इसलिए उनको इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट वित्त विभाग दिया गया और उन पर भरोसा जताया, और उनके सहारे उन्होंने जैसे जीएसटी लागू किया या फिर नोटबंदी का किया या फिर काले धन के लिए जो अभियान चलाया उसमें उनका बड़ा योगदान था। क्योंकि देखिए, जब तक आपके साथ काम करने लीडर के साथ जो कैप्टन है उसके साथ उसके सहयोगी ठीक से काम नहीं करेंगे तो अपने अचीवमेंट नहीं हो सकता। तो मोदी जी को पता था कि मैं अपने पुराने साथी, विश्वस्त साथी या जो बुरे दिन के साथी थे उनको लेकर काम करूंगा तो उनका फायदा होगा, और वही अरुण जेटली जी ने मोदी जी का साथ दो पहले कार्यकाल में दिया, चाहे फाइनेंस के मामले में हो या पार्टी के अंदर जो रणनीति की बात हो या बाहर हो, उसमें पूरा साथ जेटली जी का मोदी जी को रहा, इसलिए उन्होंने उनको चाहे वो दिल्ली में स्थापित करने की बात जब पहले बात की तो पूरे पार्टी में ही उनकी पकड़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जेटली जी ने। इसलिए देखिए, आज जो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा दोस्त खो गया, बहुत व्यक्तिगत नुकसान, तो ये सवाल है कि जो उनको हर मुसीबत में साथ दिया उन्होंने, तो इसे साफ झलकता है कि मोदी जी के काफी विश्वसनीय रहे हैं और उनके संकट मोचक रहे हैं जेटली जी। बिल्कुल। सुरेश शर्मा जी, एक सवाल आपसे भी, क्योंकि जो आज अमल में है वो हम देखते हैं चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, उसके बारे में अगर बात करेंगे, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ये कहते हैं कि अब दुकानदार ये कह सकते हैं कि नगद को ना और डिजिटल को हाँ, और अगर डिजिटल को हाँ कहने का ये नारा गढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री, इसके पीछे जेटली जी का योगदान आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि चाहे DBT हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो या डिजिटल पेमेंट, जनधन भी हो, और चाहे डिजिटल पेमेंट की बात हो, जो हम और आप कहीं पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, इन पे भी अब डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लगे हैं, और एक तरह से प्लास्टिक करेंसी जिसको कहिए आगे की दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसमें कितना अहम योगदान आप अरुण जेटली का देख रहे हैं? जरूरी है वो ये है कि राजीव गांधी जी कहा करते थे कि 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं, तो ये एक ऐसा विजन उस जमाने से तय हो रहा था भारतीय जनता पार्टी में कम से कम, और ये जो एक युवा लाबी भारतीय जनता पार्टी की थी इसके अंदर ये था कि क्या हम ऐसी परिस्थितियां ला सकते हैं कि 1 रुपया भेजें तो 1 रुपया ही पहुंचे, और ये जो डिजिटल ट्रांसफर या जो ई बैंकिंग के माध्यम से जो रास्ते निकाले गए
उन रास्तों में अरुण जेटली जी का जो एक बौद्धिक लेवल था वो उपयोग में आया और उसको एग्जीक्यूट कराने में उन्होंने काम किया। देखिए, ये योजनाएं पहले भी लोगों के दिमाग में थी, पहले भी लोग चाहते थे, लेकिन खुद लोगों की मनसाएं होती थी कि इसका हिस्सा जो है लाभ के रूप में लिया जाए, और लोगों ने अधिकारियों के मन में भी ये बातें बैठी रहती थी। तो राजनीति और अधिकारी वर्ग के बीच का जो समन्वय था, उस समन्वय के कारण ये सारी चीजें लागू नहीं हो पा रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और अरुण जेटली के क्रियान्वयन करने की ताकत, इसने इस डिजिटल पेमेंट यानी डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में एक ऐसा वातावरण देश में तैयार किया। लाल किले से बोला, बाकी जगह चर्चा की गई, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर ये सारी बातें दबाव डाल करके भी कहा गया। तो मुझे लगता है अरुण जेटली जी का ये बहुत बड़ा योगदान था और एक बहुत बड़ा मिशन भारत के लिए काम हुआ है, जिससे अब हमको डेवलपमेंट के आउटपुट ज्यादा मिलेंगे, भ्रष्टाचार कम होगा, काले धन पर चोट पड़ेगी। और ये एक ऐसा टास्क प्रोजेक्ट था जिसको अरुण जेटली जी का एक सपना कह सकते हैं इसको, जो उन्होंने पूरा किया है। और मुझे लगता है ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तो नीचे जैसे सफाई अभियान आम आदमी का हिस्सा हो गया है, ऐसे डिजिटल पेमेंट, क्योंकि आप भी ये इस बात को स्मरण करते होंगे कि आप और हम भी जब चलते हैं तो एटीएम और क्रेडिट कार्ड ही जेब में लेकर के चलते हैं, और यदि 200-400 रुपया की चीज खरीदी तब भी क्रेडिट कार्ड से उसका या एटीएम से भुगतान कर देते हैं। ये जो एक मानसिकता बनती जा रही है धीरे धीरे, ये बहुत सरल हो गया है। और आप ये देखिए कि छोटी छोटी दुकानों पर, पान की दुकानों पर आपको पेटीएम और ये सुविधा मिल रही है। तो ये जो जिसको कहते हैं कि दूसरी एक प्रकार की करेंसी बनकर के जो तैयार हो रही है, मुझे लगता है ये अरुण जेटली जी का एक सपना साकार होते हुए दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया सुरेश जी, बहुत शुक्रिया रवि सर, आप हमारे साथ जुड़े। रामानुज आपका बहुत शुक्रिया। आज इस चर्चा में हमारे साथ तमाम बड़े नेता, मंत्री, वरिष्ठ पत्रकार, आम लोग सब जुड़े हुए थे, अरुण जेटली जी को याद कर रहे थे। लेकिन अरुण जेटली जी को सदा सदा याद किया जाएगा एक बेदाग छवि के नेता के लिए। ये बहुत अहम कह रहे हैं आशिफ आप, एक बेदाग की राजनीति को जब कहते हैं कि ये एक तरह से काजल का पहाड़ है, और वो कहते हैं कि काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है, इस जीवन में निष्कलंक होकर के रहना तो बहुत कठिन है, अरुण जेटली होकर के रहना। बिल्कुल, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।